कहा जाए शिव रंजन मिश्रा और शशि रंजन मिश्रा के खिलाफ। यही दोनों एसीआरएमसी को दिमाग के तरफ एसीआरएमसी को खत्म कर रहा है। टोटल रेल कर्मचारी से उसूला जा रहा है, रेल कर्मचारी के ऊपर एक माफिया राज करा जा रहा है। भ्रष्टाचार, हर तरह का भ्रष्टाचार, जैसा पहले तो हमारे घर से शुरू करते हैं, हमारे साउथ ईस्टर्न रेलवे एसीआरएमसी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, एक नंबर है कि ब्रांच ऑफिस सब मैंने भाड़ा में चलाया जा रहा है। ब्रांच ऑफिस में कैडर लोग काम नहीं कर सकता, एसीआरएमसी के जो कैडर लोग है, कैडर लोग को एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, अचानक आपको बोल देगा कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऊपर गुस्सा है, आपको तो ट्रांसफर कर दे रहा था, मैं फलाना ऑफिसर को बोल के रोक दिया, ठीक है कुछ करिए, ठीक है हमको देखिए। तो ये सब उनका रवैया है। ट्रेड यूनियन में विश्वास करते हैं, हम लोग का मेन मुद्दा है पहले नेगोशिएशन फिर एजुकेशन, ठीक है। आज हम लोग ये हमारा एजुकेशन नहीं है, ये हमारा गेट मीटिंग है, क्योंकि एसी रेलवे का एम्प्लॉय लोग का जो तमाम मुद्दा है, ये मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं है। हम लोग को बर्बाद करके रखा है एसआर मिश्रा, सती रंजन मिश्रा, तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग नहीं कर पा रहा। आप लोग क्या एसईआरएमसी साउथ इंडियन ईस्टर्न रेलवे द्वारा भ्रष्टाचार और गुंडाराज के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया? आपको बता दें एसईआरएमसी इंडियन साउथ ईस्टर्न रेलवे है जो सबसे बड़ा यूनियन है, ये एम्प्लॉई के हक के लिए आवाज़ उठाती है। एसईआरएमसी का डिमांड है कि रेलवे कर्मचारियों को एनपीएस से मुक्त करें और ओपीएस सब एम्प्लॉयज के लिए चालू किया जाए। और इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन हुआ। इस धरना प्रदर्शन के दौरान शिव रंजन मिश्रा और शशि रंजन मिश्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार और गुंडा राज करने का आरोप लगाया गया। आइए देखते हैं आगे खबर। इस दौरान रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के लीडरान ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा? आप लोग जानते हैं एसीआरएमसी साउथ ईस्टर्न रेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट दो सीक्रेट बैलेट इलेक्शन जो इंडियन रेल में हुआ था, दोनों सीक्रेट बैलेट इलेक्शन में एसीआरएमसी साउथ ईस्टर्न रेल में एक नंबर यूनियन होकर जीत के आया था, क्योंकि एसीआरएमसी हमेशा रेल कर्मचारी की आवाज़ को उठाता है, उसको सोल्यूशन करते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे में रेल कर्मचारी को फंसाता नहीं, रेल कर्मचारी को एक्सटॉर्शन नहीं करता, रेल कर्मचारी से उसूल नहीं करता। तो इसीलिए एसीआरएमसी दो बार लगातार मैंने एक नंबर यूनियन होकर जीत के आया था। आप लोगों का डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड है, आज जो मेन डिमांड है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड है कि रेल कर्मचारी को एनपीएस से मुक्त करना, ओपीएस चालू करना सबके लिए। और जो मुद्दा है, जो मुद्दा हम लोग मीटिंग में अभी बोले हैं, कुछ मुद्दा जो हम लोग बताए रेल कर्मचारी का मुद्दा, प्लस जो मेन मुद्दा है जो ऑर्गेनाइजेशन एसीआरएमसी को, आप लोग जानते हैं 2020 से कुछ आदमी खासकर एसआर मिश्रा, शिव रंजन मिश्रा एंड शशि रंजन मिश्रा, ये दोनों भाई एसीआरएमसी को ख़त्म कर लिया। ये कौन है लोग? ये दोनों शशि शिव रंजन मिश्रा एसीआरएमसी का जनरल सेक्रेटरी था, ठीक है, एक पहले जनरल सेक्रेटरी था, लेकिन उन्होंने किया पूरा एसीआरएमसी में उनका परिवार बात बनाया। वो खुद सीकेबी डिवीजन से बिलोंग्स करता है, सीकेबी डिवीजन में उनका भाई शिव रंजन मिश्रा, उनका अपना भाई सगा भाई शशि रंजन मिश्रा, वो है वहाँ का डिवीजन कोऑर्डिनेटर बनाया। जो आप लोग फिर एक मिनट, फिर उसको खड़गपुर डिवीजन में डिवीजन कोऑर्डिनेटर नहीं है, किसी को नहीं बनाया, ठीक है, वही शशि रंजन मिश्रा को वहाँ का भी डिवीजन कोऑर्डिनेटर बनाया, ठीक है। फिर प्लस साउथ ईस्टर्न रेल में हेडक्वार्टर में जो सीएसबीएफ कमेटी होता है, स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी, वो भी शशि रंजन मिश्रा देखेगा, ठीक है। जहाँ जितना पोस्ट है शिव रंजन मिश्रा और शशि रंजन मिश्रा देखेगा, बाकी सब आदमी रेल कर्मचारी एसआरएमसी का कैडर उनका कुत्ता का माफी उनका सामने पूछ लाते रहेगा, ये उनका नजरिया है। कहा जाए शिव रंजन मिश्रा और शशि रंजन मिश्रा के खिलाफ, यही दोनों एसआरएमसी को दिमाग के तरफ एसआरएमसी को ख़त्म कर रहा है। टोटल रेल कर्मचारी से उसूला जा रहा है, रेल कर्मचारी के ऊपर एक माफिया राज करा जा रहा है। जो एसआरएमसी का कैडर ग्रास रूट में हर एक ब्रांच में है, 50 ब्रांच है साउथ ईस्टर्न रेल में, जो लोग हर एक ब्रांच में है, वो ब्रांच में एसआरएमसी का कैडर लोग के ऊपर ही उनका थ्रेटनिंग चलता है, वो ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करके बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन तुमको ट्रांसफर कर देगा। मिनिस्ट्री में आप लोग इसका कंप्लेंट नहीं किया? हम लोग मिनिस्ट्री में सब जगह में कंप्लेंट किया। वो आदमी इतना कोरप्ट है कि वो आदमी टाटा से बिलोंग करता है, टाटा सीकेबी डिवीजन में बहुत सारे ब्रांच ऑफिस को वो भाड़ा में लगाया हुआ है, जहाँ एसआरएमसी का कैडर को घुसने का अधिकार नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी लोग को दिया हुआ है। सेंट्रल ऑफिस हमारे गार्डन रिच में है, सेंट्रल ऑफिस में वो बकायदा दखल करके बैठा हुआ है, जबकि 2020 से वो शिव रंजन मिश्रा कोर्ट का द्वारा इंजंक्टेड है, लेकिन फिर भी वो इतना डेयरिंग है क्योंकि वो हैबिचुएटेड कोरप्टेड आदमी है, ठीक है, हैबिचुअल कोरप्टेड आदमी। तो वो क्या करता है, उसका बावजूद भी
वो अपना पैड में लिख रहा है रेसिडेंशियल एड्रेस 112/6 जो हमारा सेंट्रल ऑफिस है SCRMC का, वो कोर्ट में हमारे एफिडेविट दे रहा है जिसमें उनका रेसिडेंशियल एड्रेस दिखा रहा 112/6 सेंट्रल ऑफिस, जबकि 2020 से वो आदमी कोर्ट का द्वारा प्रतिबंधित है। सब यही नहीं, अगर हम लोग कोई नॉर्मल एम्प्लॉय भी नहीं, हम लोग CO भी है, हम लोग अगर सेंट्रल ऑफिस में जाते हैं तो हम लोग को डराया धमकाया जाता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, उनका वक्तव्य है कि तुम लोग का SCRMC ऑफिस में कोई ये नहीं है, ठीक है। वो ऑफिस उनका राज है, उनका पत्रिक राज बना लिया, ठीक है। वो लोग वहाँ क्या करता है आप लोग जाकर देखिए, वहाँ भाड़ा चलता है, टोटल सेंट्रल ऑफिस में भाड़ा में दिया हुआ है, उनसे वो उस पैसा उसूलता है। भ्रष्टाचार हर तरह का भ्रष्टाचार, जैसे पहले तो हमारे घर से शुरू करते हैं, हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे SCRMC में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, एक नंबर है कि ब्रांच ऑफिस सब माने भाड़ा में चलाया जा रहा है, ब्रांच ऑफिस में कैडर लोग काम नहीं कर सकता, SCRMC के जो कैडर लोग है कैडर लोग को एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, अचानक आपको बोल देगा कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऊपर गुस्सा है, आपको तो ट्रांसफर कर दे रहा था, मैं फलाना ऑफिसर को बोल के रोक दिया, ठीक है कुछ करिए, ठीक है हमको देखिए। तो ये सब उनका रवैया है, इतना जो ऑफिसियल से अगर कहीं साठ गाठ था कभी कहीं कहीं से, ठीक है, इसीलिए उतना दिनों चला रहा था, लेकिन अभी तमाम रेल कर्मचारी जाग गया है। ये भ्रष्टाचार कितने दिनों से चल रहा है? ये भ्रष्टाचार उनका लगभग सारा उनका जिंदगी भर चल रहा है, वो इनका पहले प्रोटेस्ट किया उनको 2013 में, उनको तब हमारा जनरल सेक्रेटरी KS मूर्ति साहब जिन उनको डिवीजन कोऑर्डिनेटर से हटा दिया था उनका भ्रष्टाचार का चलते, ठीक है। उसका बाद वो फिर वो कोर्ट केस किया SCRMC के अगेंस्ट में 2014 में, 2014 से वो SCRMC को कोर्ट केस का तरफ बंद करके रखा है, कोर्ट केस का से बैकडोर से वो एक बॉडी बनाया था, ठीक है। हाँ तो हाँ अगर ये आपका प्रोटेस्ट करने के बाद डिमांड नहीं कम्प्लीट हाँ है, तो आप लोग इसके आगे क्या करने वाले? हम लोग इसका आगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के सामने दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग बात किए, एडमिनिस्ट्रेशन को सारे डॉक्यूमेंट दिए है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका ऊपर भरोसा दिया है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, हम लोग कोई प्रोटेस्ट को माने प्रोटेक्शन नहीं देंगे, ये क्योंकि हम लोग देखिए हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव रेल एम्प्लॉई है, हम लोग कंस्ट्रक्टिव ट्रेड यूनियन में विश्वास करते हैं, हम लोग का मेन मुद्दा है पहले नेगोशिएशन फिर एजिटेशन, ठीक है। आज हम लोग ये मेरा एजिटेशन नहीं है, ये हमारा गेट मीटिंग है, क्योंकि AC रेलवे का एम्प्लॉय लोग का जो तमाम मुद्दा है ये मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं है, हम लोग को बर्बाद करके रखा है SR मिश्रा सती रंजन मिश्रा, तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग नहीं कर पा रहा। आप लोगों क्या बर्बाद करके रखा? आप लोग नौकरी कर रहे हैं सर? नहीं नौकरी कर रहा है, लेकिन यूनियन को बर्बाद करके रखा। अच्छा। यूनियन को नौकरी में भी डिस्टर्ब किया जा रहा है, हम लोग अगेंस्ट में विजिलेंस केस दिया जा रहा है बेमतलब, ठीक है। मेरा अगेंस्ट में दो विजिलेंस केस दिया, ठीक है, बेमतलब, जबकि मैं CO भी हूँ, आज भी SCRMC का, मेरा अगेंस्ट में एक विजिलेंस केस दिया गया, मालूम आप लोग को बता दे लास्ट 4 महीना पहले 5 महीना पहले कुछ भी बोलता रेलवे उसका सुन लेता। नहीं, विजिलेंस कंप्लेंट आप कोई भी देंगे तो उसका जांच होता है, ठीक है, उसका हाँ जांच होगा, उसका बाद रेल प्रशासन डिसीजन करेगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। मेरा अगेंस्ट में एक दिया, विजिलेंस टीम मेरा घर गया, चेक किया, सब कुछ सही निकला, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं CO था, CO हूँ, उसका बजाव बदौलत मैंने उसका बजाय भी वो आदमी SCRMC को माना मेरा अगेंस्ट में, ऐसा मेरा नहीं, सबका अगेंस्ट में फॉल्स केस दिया जा रहा है। हम लोग सरकार से या रेल प्रशासन से यही मांग करेंगे, यही आवेदन करेंगे कि हमारा जो SCRMC का सेंट्रल ऑफिस है जिसमें SR मिश्रा आज का दिन में SCRMC से प्रतिबंधित है, वो SCRMC का प्राइमरी मेंबर नहीं है, उसको सेंट्रल ऑफिस से हटाया जाए, SCRMC का जितना ब्रांच ऑफिसेस है जो भाड़ा में लगाए हुआ है वो ब्रांच ऑफिसेस के खाली किया जाए, जो लोग भाड़ा में लगाया जो लोग इसको मन मिसयूज कर रहा उसका अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, और हम लोग को रेल कर्मचारी का मुद्दा उठाने के लिए या रेल कर्मचारी का जो बातें हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नेगोशिएशन टेबल में लाने के लिए हम लोग को परमिशन दिया जाए, अलाउ किया जाए, यही हम लोग का मेन मुद्दा है। पूरा परिचय बता दे। मेरा परिचय है, मैं सुब्रत दे, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी साउथ ईस्टर्न रेलवे मेन्स कांग्रेस, मैं पहले आगरा डिवीजन का डिवीजन कोऑर्डिनेटर भी था, ठीक है, हाँ, लेकिन यही आदमी ने मैंने उनका माफिया राज में मैं साथ नहीं दिया बोल के हमको हटाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर।